दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगती है, इसीलिए आप अपना प्यार देते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट भी करते हो ताकि मुझे पता चले कि आपका प्यार कितना है कितना नहीं है। और काफी अच्छा चल रहा है हम लोग का चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लास्ट 3 महीने में मैंने 1200 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और डेली व्यूज मेरी 1000 तक पहुंच जाती है आज के डेट में। तो अगेन लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आज का ये वीडियो का मेन विषय ये रहेगा कि मेरा एक बहुत काफ़ी पुराना वीडियो है जिसमें मैंने 2015 में मैंने अपलोड किया था कि ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। 2015 और 2019 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। 4 साल में द वे दैट वी डिड बिजनेस हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली। इन 4 सालों में द वे दैट वी डिड बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्ट्रेशन, उनके लिए जो लाइसेंसेस, वैट, ये सारा चेंज हो चुका है ये 4 सालों में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो खुद घर बैठे कैसे स्टार्ट कर सकते हो और कितनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो। बिलीव मी दोस्तों, घर से बैठ के ही आपका सारा कुछ हो जाएगा, इवन इफ आपका होलसेलर का माल भी घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, पहले हम कैसे स्टार्ट करना है ई कॉमर्स बिजनेस सबसे कम इन्वेस्टमेंट में, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो देखते रहिए ताकि आपको ये पता चले कि कैसे आप घर बैठे ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सबसे कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। कम इन्वेस्टमेंट इन द सेंस, ऐसा नहीं कि आपके माल में कम खर्चा हो, आप जो रॉ मटेरियल्स उठा रहे हो उसमें खर्चा हो। कम इन्वेस्टमेंट मतलब कि आपका जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, जो हिसाब से आप उसको बिजनेस को चलाते हो, वो कितना कम में कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैंडोरा कैपिटल के एक नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। तो दोस्तों, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपना बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपके पास पैन कार्ड ऑलरेडी है। अभी अगर आपके पास पैन कार्ड है ऑलरेडी, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या टाइप का बिजनेस मैं रजिस्टर करूँ। आप सोल प्रॉपर्टीशिप पे काम कर सकते हो। सोल प्रॉपर्टीशिप माने आपके पास जो भी पैन कार्ड है उसी के ऊपर आप बिजनेस कर सकते हो, वही नाम रहेगा, बस एक करंट अकाउंट खुलेगा। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म। अगर आप और एक पार्टनर दोनों मिलके बिजनेस करना चाहते हो और ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो अपने बीच में एक एग्रीमेंट बना लो, उसको जाके अपने कचहरी से या अपने कोर्ट से नोटराइज करवा लो, बस आपका पार्टनरशिप डीड बन गया। और अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी है, तो ऑनलाइन गूगल पर चले जाओ, काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिलेंगे। मैं अभी यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वेबसाइट का नाम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी को यहाँ पर एंडोर्स नहीं करना चाहता। तो आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जो कि सिंगल अगर ओनर होगा, अगर आप अकेले हैं तो आपका भी प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना लेगा, अगर दोनों मिलके या तीनों मिलके या चारों मिलके पार्टनर्स बनाना चाहते तब भी हो जाएगा आपका। अगर आप इतना भी झमेला नहीं करना चाहते हो, तो आप पास के अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लोकल एरिया में कोई भी CA होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, उनके पास चले जाइए, वो भी करवा लेंगे। पार्टनरशिप फर्म का खर्चा शायद 1000 रुपये के अंदर आपका हो जाएगा। सोल प्रॉपर्टीशिप पे कोई भी खर्चा नहीं है। और प्राइवेट लिमिटेड फर्म पे अगर आप अकेले बिजनेस करना चाहते हो, तो 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा है, और पार्टनरशिप करना चाहते हो तो 15 हज़ार रुपये से लेके 25-30 हज़ार रुपये तक का खर्चा आता है, बस बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अभी आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपके दिमाग में आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको ये करना है कि आपको जाके GST के लिए अप्लाई करना है। GST के लिए आप बिना एक पैसा खर्चा किए घर से बैठ के GST अप्लाई कर सकते हो। मैंने खुद GST अप्लाई किया हुआ था, बोल रहे थे कि 15 दिन लगेगा, लेकिन मुझे 3 दिन में GST नंबर मुझे मिल गया। आप ऑनलाइन जा सकते हो, मैं आपको वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो, ये वाले लिंक पे आप क्लिक मत करो, ये वाला लिंक अपने ब्राउजर पे जाके टाइप करो और आप ये लिंक पे जाके अपना रजिस्टर कर सकते हो। इसमें आपका आधार कार्ड वगैरह का बहुत सारे डिटेल्स चाहिए होंगे, और याद रखना जो भी आप डिटेल्स एंटर कर रहे हो वही डिटेल्स का आपके पास हमेशा एक्सेस रहना चाहिए। अगर ये एक बार हो जाते तो आपका GST भी बन जाता है। जब आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन गया है, आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया है, आपका GST अप्लाई कर चुके हो, आपका GST लाइसेंस भी मिल चुका है, आपका GST एक्नॉलेजमेंट भी है आपके पास, अब आप पूरी तरीके से तैयार हो बिजनेस करने के लिए। ई कॉमर्स पे अब आते हैं, जब आपका बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है।
देखिए ये तो जनरल सब डेटा रहा, ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन है। कोई भी बिजनेस करोगे तो आपको पहले बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है, वरना आप बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। ई कॉमर्स मतलब हम जो आपको तो पता ही होगा, क्योंकि आप अमेजोन से सामान खरीदते हो, आप बेवकूफ.com से सामान खरीदते हो, आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन जो भी ऑनलाइन होता है, चाहे आप इंस्टाग्राम से खरीदो, चाहे आप क्विकर से खरीदो, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हो बिना सेलर से मिले और कोई बीच में इंटरमीडियरी आपको पेमेंट करता है या वो डायरेक्टली पेमेंट लेके बैंक अकाउंट में आपको सामान भेजता है, इसी को ई कॉमर्स कहा जाता है। ई कॉमर्स के दो भाग है, एक आप खुद बिजनेस कर सकते हो, अपना सब कुछ आपका अपना रहेगा, अपना वेबसाइट, अपना पेमेंट, अपना शिपिंग, सब कुछ आपका अपना रहता है। और दूसरा रहता है आप पोर्टल पे बेच सकते हो, जैसे कि हो गया अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, कई सारे सैकड़ों सैकड़ों वेबसाइट्स है। पहले तो ईबे हुआ करता था, आजकल तो ईबे को भी फ्लिपकार्ट वालों ने खरीद लिया, तो एनीवेज ईबे बंद पड़ा हुआ है। तो ये दो टाइप के बिजनेस हो गए, याद रखिएगा कि ये दो टाइप के बिजनेस है, इन दोनों को बिल्कुल जुड़ के कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग जो मार्केट प्लेसेस है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जबोंग हो गया, मिंत्रा हो गया, इनको हम साइड हटाते हैं, इनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम कंसंट्रेट करेंगे कि आप कैसे अपना बिजनेस जो आपका अपना रहेगा उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो, उसको कितना कम खर्चे में आप कर सकते हो, ठीक है। इतना तक हम आप समझ गए, अगर नहीं समझो तो कमेंट करके बताइए कि आप इतने तक नहीं समझे, ताकि मैं एक और वीडियो में इसको रिपीट कर सकूं और बेहतर तरीके से। आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया है, आपका माइंड सेटअप हो चुका है कि आप अभी एक बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हो, आप कोई मार्केट प्लेसेस में बेचना नहीं चाहते, आप खुद अपने से बेचना चाहते हो, ठीक है। पहला चीज आपको चाहिए होगा डोमेन, जो जैसे रहता है www.amazon.com, मान के चलिए आपका आपका शॉप का नाम होगा, आपका ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस का नाम होगा पैंडोरा केपलर। तो आपको ये करना है कि www.pandorakepler.com का डोमेन जो होता है वो बुक करना है। अब वो कहाँ से बुक करना है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, अगेन आप यू नो गोडैडी से बुक कर सकते हो, आप डायरेक्ट, आप बहुत सारे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी को एंडोर्स नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद गूगल पे जाइए, लिख दीजिए जाके कि बुक एट डोमेन और बाई एट डोमेन, तो उसका लिंक आ जाएगा। आप कोई भी, बहुत सारे होस्ट गैटर है, इनका सब आप वेबसाइट खोल के इनका रेट्स प्राइसिंग देख सकते हो, 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए भी आप खरीद सकते हो। अगर आपने अभी तक फाइनल कर चुके हो कि आपको बिजनेस करना है, आपका माइंड सेटअप है, तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि 10 साल के लिए ही आप अपना डोमेन खरीदे। कम खर्चा करना चाहते हो तो साल भर के लिए 200-300 रुपए में भी डोमेन मिल जाता है। एक बार डोमेन मिल गया मतलब आप सेम प्रोवाइडर से SSL सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करोगे, अगेन कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ेगा, आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। अभी बताओ SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए जब भी हम कोई वेबसाइट पे जाते हैं तब www. के पहले HTTPS आता है। जब HTTPS आता है मतलब ये वेबसाइट भरोसेमंद है, ये वेबसाइट एक सिक्योर्ड है, ये एक ऑथेंटिकेट वेबसाइट है, ये कोई फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। लेकिन जब भी HTTP आता है तब आप जान लीजिए कि इसमें कोई लोचा है, ये लोग अपने वेबसाइट पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर किया है, और वो अगर आपको कुछ बेच रहे तो उनसे दूर ही रहना चाहिए और उनसे बिजनेस भी नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया HTTP और HTTPS का डिफरेंस, और आपको बता दिया SSL सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। SSL सर्टिफिकेट हो गया, अभी आप जो वेबसाइट खरीदोगे उसको होस्ट करना पड़ता है, उसका एक सर्वर चाहिए होता है। आप तो वेबसाइट को कहीं पे डालोगे, जब आप डालोगे तभी ना, मतलब उसको जब अपलोड करोगे तभी ना जाके हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो वही सर्वर आप लोकल मार्केट से भी किसी को पूछ सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप कोई MNC के साथ काम करो, जैसे फिर अगेन होस्ट गैटर है, आपका GoDaddy है, इनसे भी आप बात कर सकते हो। 2,500-3,000 महीना या तो 14,000 वन टाइम, 14,000-15,000-20,000, डिपेंड करता है आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनसे होस्टिंग भी ले सकते हो। आपका SSL सर्टिफिकेट बन गया, आपका डोमेन हो गया, आपका सर्वर भी मिल गया, अभी आप इस पे वेबसाइट चढ़ा सकते हो, उस पे अपलोड कर सकते हो। लेकिन वेबसाइट तो आपने बनाया नहीं अभी तक, अभी क्या करोगे, आप किसी को भी जाकर पूछोगे, कोई भी कंपनी, फिर गूगल में सर्च करोगे वेब होस्टिंग सर्विसेज या तो वेब मेक ए वेबसाइट,
ऐसे अगर सर्च करोगे तो बहुत सारी कंपनीज के डिटेल्स आएंगे। वो बोलेंगे कि कोई बोलेगा वो 40,000, कोई बोलेगा 50,000, कोई बोलेगा लाख रुपए, ऐसे करके बोलते हैं कि हम लोग ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाएंगे। आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपका बजट कम है, ऑब्वियसली आप कुछ जुगाड़ लगाओगे, आप क्यों उनसे बात करोगे 1,00,000 रुपये हुआ। अगर आप 1,00,000 रुपये वेबसाइट पर खर्चा करोगे तो बिजनेस का खाक का करोगे। तो इसका भी एक जुगाड़ है। टेम्पलेट मॉन्स्टर एक वेबसाइट है, आप टेम्पलेट मॉन्स्टर पे जाइए, वहाँ पे बस ई कॉमर्स का एक ऑप्शन रहता है, सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे जो फोटो दिखा रहा हूँ, ये फोटो को देखिए आप, ठीक है। ई कॉमर्स का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, आपको ढेर सारे मिल जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन, ढेर सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से कोई भी एक वेबसाइट, कोई भी एक टेम्पलेट सिलेक्ट करो जो कि आपको अच्छा लगता है, यहाँ से खरीदो। $20-$40 में मिल जाते हैं, 50-100 डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। एक बार आपको ये वेबसाइट सिलेक्ट कर लेते हो, इसमें भी एक झमेला है, आपको जो वेबसाइट खरीदोगे वो कौन से प्लेटफॉर्म पे खरीदोगे। मतलब जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, ये प्लेटफॉर्म जैसे हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है माइक्रोसॉफ्ट, एंड्रॉयड, एप्पल का iOS, ऐसे जैसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, वैसे ही ई कॉमर्स का वेबसाइट भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स पे काम करता है। मैं खुद प्रेफर करता हूँ ओपन कार्ट, क्योंकि बहुत ईजी है काम करना उसमें। आप मजेंटो है, पेट्रा शॉप है, बहुत सारे जेन कार्ट है, आप बहुत सारा देख सकते हो। ऐसे आप एक काम करो, सबसे अच्छा ये रहेगा आप एक लिस्ट निकालो, डिस्क्रिप्शन पे सारा लिस्ट दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन पे एक एक को कॉपी करो, गूगल पे जाके उसके साथ रिव्यू मार के क्लिक करो और देखो क्या क्या रिव्यूज है, आप क्या यूज कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे। ये आप यूट्यूब पे इसका कीवर्ड डाल के भी ढूंढ सकते हो कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा, कौन सा बुरा लगेगा, या कौन सा इजी रहेगा काम करने के लिए। तो आप ये सब अपना रिसर्च कर सकते हो। तो मान के चलिए हाल ही में हम लोगों ने ओपन कार्ड सिलेक्ट किया, तो ओपन कार्ड का मैंने टेम्पलेट खरीद लिया $30 दे के। अभी इसमें जो एडिट करने वो मैं कैसे करूँ, मुझे तो HTML पता नहीं, मैं टेक्निकली साउंड बंदा हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तब एक वेब होस्टिंग वाले को पकड़ूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई मेरा एक ओपन कार्ड का टेम्पलेट है, मेरा सर्वर भी है, सारा कुछ है, इसको तुम अपलोड करो और SSL सर्टिफिकेट भी इस पर चढ़ा दो, सबको असेंबल करके मुझे एक रेडीमेड वेबसाइट दो। भाई मैं 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, 500 रुपया, 400 रुपया एक बियर की बोतल, डिपेंड करता है आप कैसे पटाते हो, आपका दोस्त होगा तो फ्री में कर देगा, ये उनके लिए ज़्यादा झमेले वाली बात नहीं रहती। लेकिन हम लोग जैसे हैं, हम लोग जैसे नॉन टेक्निकल बंदे हैं, हम लोग को ये समझने में बहुत टाइम लग जाता है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं इस पे R&D कर रहा था, मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये सब जानने के लिए मुझे 8 से 9 महीना लग गया था। मैं अभी वो बिजनेस नहीं करता, वो B2B पोर्टल था, बहुत पहले की बात है। तो आज भी ये चल रहा है, आज भी लोग ऐसे ही बिजनेस कर रहे हैं, और यही सबसे सबसे सस्ता, सबसे जुगाड़ू जो लाइन है यही है। आप ऐसे करके आप अपना वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हो, आप उसको वैसे अपने टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो, उसके अबाउटर्स जैसे चाहो वैसे एडिट कर सकते हो। अभी हो गया आपका बिजनेस सर्टिफिकेट रेडी, आपका वेबसाइट रेडी, आपका GST रेडी हो गया है, बस आप बैंक पे जाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा कोई भी नेशनलाइज बैंक सेलेक्ट कर लें, जैसे SBI हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, या यू नो इलाहाबाद बैंक हो गया। आप इनके पास जाइए, इनके पास अपना सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए, ये आपको आराम से बोलेंगे कि भाई बैंक हो, हमारे पास अकाउंट खोल दीजिए। 10,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है करंट अकाउंट में, सबसे सही रहेगा अगर आप 10,000 रुपये देके एक अकाउंट खोल लेते हो। अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो फिर उसके लिए पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए 200-250 रुपये का जरूरत पड़ता है। सोल प्रोप्रेटरशिप में कुछ भी नहीं चाहिए, पार्टनरशिप में फिर से आपको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ता है, तो वो आपका CA कर देगा, या आप खुद भी जाके कहीं से भी कोई केंद्र से जाके अप्लाई करवा सकते हो डॉक्यूमेंट्स देके। ये सब होने के बाद फिर आता है लोगो डिजाइनिंग। आप फिर जाके कोई भी एक लोगो डिजाइनर पे खर्चा कीजिए, अपना लोगो एक अच्छा सा बनाइए, और मेल भेजने और रिसीव करने के लिए मैं सब हमेशा आपको बताऊंगा कि आप गूगल का सर्विसेज यूज कीजिए। वो 1500 रुपीज में 3 IDs देते हैं, हर महीना वो 1500 रुपीज चार्ज करेंगे आपसे। तो डिपेंड करता है आप कितना, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आप कैसे क्या कर सकते हो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना वेब होस्टिंग ईमेल सर्वर्स है, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली जीमेल ही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फिर जीमेल में मैं हैबिचुएटेड हूँ। लेकिन हाँ, जीमेल मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि जीमेल तो भाई फ्री में मिलता है, हम लोग को क्यों पैसा देना पड़ेगा। जी नहीं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका वेबसाइट का नाम है www.pandorakepler.com,
आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो रहेगा CEO या XYZ आपका नाम, जैसे abhishek@pandorakepler.com, और लेकिन उसका बैकग्राउंड जो रहेगा वो जीमेल का रहेगा। तो इसी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। इसके लिए बहुत अलग अलग से और भी फीचर्स वो वेबसाइट्स के लिए देते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए देते हैं। एक बार आप उनसे बात कर सकते हो। गूगल का वो वाला लिंक नीचे दिया हुआ है, गूगल बाय गूगल ईमेल सर्विसेज, आप लिंक पे भी क्लिक करके उनके साथ बात कर सकते हो। आशा करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा सा तो एटलीस्ट नॉलेज मिला होगा। अगर इससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक दूसरा पार्ट बनाऊं जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप सामान कहां से खरीदोगे, कैसे खरीदोगे, आप ई कॉमर्स का डिलीवरी कैसे करोगे, कैश ऑन डिलीवरी कैसे करोगे, शिपिंग पार्टनर कैसे ढूंढोगे, और वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर आप उस सब के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको क्या जानना है। वीडियो मैं तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए। पास के बेल वाले आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।